वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हमें एक चैलेंज मिला है जो कि है भैया जी की तरफ से। और इस चैलेंज में जहां तक मुझे पता है कि वो एक लैपटॉप लेके आए हैं जो कि काफ़ी पुराना लैपटॉप है, और उसमें वो चाहते हैं कि मैं उन्हें विंडोज़ 11 इंस्टॉल करा के दूँ क्योंकि यहाँ पर अनसपोर्टेड हार्डवेयर है। तो देखते फिलहाल उन्होंने यहाँ पर कहा क्या है। आज से तुम्हारे लिए एक ऐसा काम लेकर आए हैं जो तुम्हारे बस के बाहर है। पता है क्यों? ये जो मेरे हाथ में तुम लैपटॉप देख रहे हो, ये है सोनी वायो जो कि 7 से 8 साल पुराना है। और आज का टास्क तुम्हारे लिए ये है कि इस लैपटॉप में तुम मुझे विंडो 11 इंस्टॉल करके दे दो। और ये टास्क अगर तुमने मुझे करके दे दिया तब तो तुम्हें आज हम मान लेंगे कि तुम सच में टेक्नो अपलिफ्ट हो। ठीक है, तो चैलेंज एक्सेप्टेड गाइस। ये इनका पुराना लैपटॉप है सोनी वायो का। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो ये i3 प्रोसेसर का है। i3 प्रोसेसर है, करीब करीब इसमें 4 GB की रैम है, हार्ड डिस्क है, SSD नहीं है यहाँ पे, और कम से कम 8 साल पुराना है, उससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि i3 जो लॉन्च हुआ था वो लॉन्च हुआ था 2010 में, तो उसके आसपास ही ये सोनी वायो का लैपटॉप आया था। एनीहाउ, चैलेंज एक्सेप्टेड है। तो अब हम इस पर इंस्टॉल करेंगे विंडोज़ 11 को। और अगर आपके पास भी कोई पुराना लैपटॉप या PC है या कोई भी अनसपोर्टेड हार्डवेयर जहाँ पर आपको एरर आता है कि विंडोज़ 11 इज़ नॉट सपोर्टेड बिकॉज योर TPM इज़ नॉट इनेबल्ड या प्रोसेसर सपोर्टेड नहीं है, तो यहाँ पे अब आप इंस्टॉल करा सकते हैं विंडोज़ 11 को विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे, विंडोज़ भी आपका अपडेट होगा, सब कुछ एज इट इज़ चलेगा यहाँ पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे इंस्टॉल कराना है विंडोज़ 11 को। ठीक है गाइस, तो हम आ गए हैं अपने विंडोज़ 10 इसी लैपटॉप के डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पे शुरू करने से पहले यहाँ पे आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। नंबर वन, आपके पास एक 16 GB की कम से कम एक पेन ड्राइव या USB ड्राइव होनी चाहिए जिसमें किसी भी तरह का डेटा ना हो, क्योंकि इस प्रोसेस में सारा डेटा आपका वाइप आउट हो जाएगा। और नंबर टू, आपका यहाँ पे जो BIOS मोड है वो सेट होना चाहिए आपका UEFI में इंस्टेड ऑफ लेगेसी। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आप अपने विंडोज सर्च पे यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे टाइप करिए सिस्टम, सजेशन में चूज करिए सिस्टम इंफॉर्मेशन। और अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो मेरा BIOS मोड यहाँ पे दिखा रहा है UEFI, जो कि परफेक्ट है। और UEFI होने के भी बहुत सारे फायदे हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे आपको फास्ट स्टार्टअप मिलता है, बहुत सारे अदर एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं। तो आप मेक श्योर अगर UEFI में नहीं सेट है तो इस पर मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप चेकआउट करिए और आराम से लेगेसी से UEFI में आप यहां पे शिफ्ट हो जाइए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन और देखते हैं कि कैसे आपको यहां पे विंडोज 11 इंस्टॉल करना है अनसपोर्टेड हार्डवेयर पे। तो यहां पे हम जो टूल का यूज करेंगे वो है रूफूस, जो कि बहुत ही अमेजिंग, बहुत सारे फीचर के साथ आता है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे इसके मेन फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको ये एक एबिलिटी देता है कि आप बाईपास कर सकते हैं 4 GB रैम, सिक्योर बूट, TPM वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पे आता है विंडोज 11 का, इसको यहाँ पे आप बाईपास करा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाने के लिए कहता है ये भी आप बाईपास करा सकते हैं। बहुत सारे और भी जो ऑप्शन आता है इनको यहाँ पे आप बाईपास कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी आपको इस वेबसाइट पे आना है रूफूस की, और यहाँ पे थोड़ा से नीचे आने पे आपको ये लिंक मिलेगा, सबसे पहला वाला रूफूस 4.2.exe स्टैंडर्ड, इस पे यहाँ पे आप क्लिक करिए और डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही यहाँ पे आपका ये डाउनलोड हो जाता है, अब यहाँ पे रूफूस पे राइट क्लिक करिए और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चूज करा दीजिए, परमिशन दीजिए। और जैसे यहाँ पे ये देखिए ओपन होगा तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा आपकी पेन ड्राइव को सबसे टॉप पे जहाँ पे आपको डिवाइस दिखा रहा है। अगर इन केस आपने मल्टीपल पेन ड्राइव या USB ड्राइव कनेक्ट करी है तो आप मेक श्योर करके रखिए कि यहाँ से राइट USB डिवाइस को सिलेक्ट करिए जिसको आपको बूटेबल फ्लैश ड्राइव बनानी है। अब इसके नीचे आपको मिलेगा बूट सिलेक्शन, तो यहाँ पे हमें विंडोज 11 के ISO को यहाँ पे सिलेक्ट कराना है। तो अब इसके लिए आप विंडोज 11 की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, और यहाँ पे आके आप डिस्क इमेज वाले को यहाँ पे डाउनलोड करा सकते हैं। और एडिशनली ये ऑप्शन आपको रूफूस भी देता है कि आप डायरेक्टली रूफूस के सॉफ्टवेयर से भी विंडोज 11 को यहाँ पे डाउनलोड करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे राइट पे आपको सेलेक्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है, अगर इसके ड्रॉप डाउन में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डाउनलोड वाला ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे डाउनलोड करके आप इसको इंस्टॉल करा सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने डाउनलोड कर रखी है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से विंडोज 11 के ISO को सिलेक्ट कर लेंगे।
अब इसके बाद यहाँ पे आप कुछ और नहीं करना है, पार्टीशन स्कीम जीपीटी रहने दीजिए, टारगेट सिस्टम यूएफआई है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमको सीधा क्लिक करना है स्टार्ट पे, और जैसे ही स्टार्ट पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आता है इसका मेन पेज, यहाँ पे कह रहा है कस्टमाइज विंडोज इंस्टॉलेशन। अब सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन जो आपको मिल रहा है, रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर 4 GB प्लस रैम सिक्योर बूट एंड TPM, तो हम इसको बाईपास करना चाहते हैं ऑफकोर्स, तो इसको यहाँ पे हम चेक करेंगे। सेकेंड ऑप्शन है रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, तो हम नहीं चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट हमसे यहाँ पे पूछे लॉगिन करने के लिए, ना ही हमारे पास है, तो इसको भी यहाँ पे चेक कर लेंगे। थर्ड कह रहा है क्रिएट अ लोकल अकाउंट विद यूजर नेम, तो यहाँ पे आपको अपना जो भी लोकल नेम चाहिए लोकल अकाउंट का वो यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए। फिर आता है सेट रीजनल ऑप्शन टू द सेम वैल्यूज एज दिस यूजर, ठीक है, इसको भी चेक कर लेंगे। डिसेबल डेटा कलेक्शन, बिल्कुल इसको भी चेक करेंगे। डिसेबल बिट लॉकर ऑटोमेटिक डिवाइस इंक्रिप्शन, तो सारे के सारे ऑप्शन को यहाँ पे आप चेक करिए। अब इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करिए, और देखिए यहाँ पे वार्निंग भी आ रही है कि आपका सारा डेटा इस पेन ड्राइव से डिलीट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बोला था कि अगर किसी तरह का डेटा है तो पहले आप बैकअप ले लो, उसके बाद इस प्रोसेस को यहाँ पे स्टार्ट कराइए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आप देखिए आप प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब ये अप्रॉक्स 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा, तो यहाँ पे आप वेट करिए जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। और जैसे ही यहाँ पे ये खत्म हो जाता है, अब से आप यहाँ से क्लोज करिए। अब हमारी यहाँ पे रूफूस की बूटेबल विंडोज 11 फ्लैश ड्राइव रेडी है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब इस बूटेबल पेन ड्राइव को आपको कनेक्ट कराना है उस लैपटॉप या पीसी में जहां पे आप विंडोज 11 को इंस्टॉल कराना चाहते हैं उस अनसपोर्टेड हार्डवेयर में। तो यूएसबी को यहां पे आप कनेक्ट करिए, आप कनेक्ट करने के बाद सिस्टम को शट डाउन करिए। अब सिस्टम को आपको रीस्टार्ट कराना है बायोस में, क्योंकि यहां पे हमें बूट प्रायोरिटी चेंज करना है ताकि हमारी जो है यूएसबी ड्राइव यहां पे बूट हो सके नेक्स्ट टाइम जब हम सिस्टम को यहां पे रीस्टार्ट करेंगे। अब बायोस में जाने के लिए अलग अलग की हो सकती है, कहीं F2 मिलेगी, कहीं डिलीट मिलेगी, कहीं F10 मिलेगी, तो आप इसे गूगल पे सर्च कर लो कि आपकी बायोस की क्या है, अपने मैन्युफैक्चरर का नाम डाल के आप सर्च कर सकते हो। और बायोस में आने के बाद जहां पे आपको बूट सीक्वेंस बूट प्रायोरिटी वाला ऑप्शन मिलता है, यहां पे आप पेन ड्राइव को अपने यूएसबी ड्राइव को यहां पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट टाइम जब आपका यहां पे यूएसबी से बूट होगा, तो यहां पे अब आपको विंडोज 11 की सेटअप स्क्रीन देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको लैंग्वेज वगैरह कुछ चेंज नहीं करना है, आप इसे ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कराइए, और नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करिए, और यहाँ पे प्रोडक्ट की मांगेगा, तो अगर प्रोडक्ट की है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट ही पे क्लिक करिए। फिर यहाँ पे आपसे एडिशन मांगेगा, तो यहाँ पे हम विंडोज 11 प्रो को डाउनलोड कराएंगे, तो यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे परमिशन दे देंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको चूज करना है सेकंड ऑप्शन जो कि है कस्टम का, तो कस्टम पे यहाँ पे आप क्लिक करिए, और यहाँ पे आता है वेयर डू यू वांट टू इंस्टॉल विंडोज। तो यहाँ पे देखिए एक चीज आपको दिमाग में रखनी है कि अगर जो आपका पुराना विंडोज 10 है, अगर उसको टोटली आपको डिलीट कर देना है, सारा डेटा आपको डिलीट कर देना है उस सी ड्राइव में, तो यहाँ पे आप अपनी प्राइमरी पार्टीशन पे क्लिक करिए जहां पे आपका पहले विंडोज इंस्टॉल्ड था, और सिलेक्ट करने के बाद इसको यहां से आप डिलीट कर दीजिए। तो क्या होगा कि आपका पुराना जो विंडोज 10 था और उसमें जो भी डेटा था वो यहां पे आपका डिलीट हो जाएगा, और फ्रेश तरीके से यहां पे आप विंडोज 11 को इंस्टॉल करा पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको यहां पे विंडोज का फोल्डर चाहिए, आपको विंडोज की फाइल चाहिए, आपको विंडोज 10 को डिलीट नहीं करना है, तो या तो आप किसी और ड्राइव को यहां पे सिलेक्ट करिए, या तो उसी सेम ड्राइव को सिलेक्ट करिए, और यहाँ पे दोनों आपका इंस्टॉल हो जाएगा। विंडोज 10 आप एक्सेस कर पाओगे अपने सी ड्राइव में जाके windows.old फोल्डर के नाम से, क्लियर। तो आपके ऊपर है, अगर आप डिलीट करना चाहते हो, फ्रेश इंस्टॉलेशन चाहते हो, तो आप इसको डिलीट करके अनएलोकेटेड बना के फिर इसको यहाँ पे सिलेक्ट कराओ, और अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते हो तो इसी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डिलीट करेंगे, अनएलोकेटेड स्पेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट कराएंगे, और अब यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं जब तक कि हमारा सारा कंप्लीट नहीं होता, और कंप्लीट होते ही गाइस देखिए यहाँ पे हमारा करीब करीब विंडोज 11 इंस्टॉल हो गया है, और यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन देखने को मिल रही है जो कि कंफर्म कर रही है कि हमारा विंडोज 11 यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, राइट।
तो यहाँ पे मैं आपको विंडोज 10 का यहाँ पे वीडियो बना के भी दिखा दे रहा हूँ इनके सोनी में, जो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो भैया जी के लैपटॉप में अब यहाँ पे विंडोज 10 से विंडोज 11 इंस्टॉल हो गया है, वो भी 8 साल पुराने लैपटॉप में। तो फाइनली हमारा देखिए, अब इस तरह से मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप में आपको दिखा रहा हूँ, फ्रेश डेस्कटॉप है यहाँ पे। अच्छा एक चीज गाइस और, बहुत सारे लोगों का कहना था कि अगर आप अनसपोर्टेड हार्डवेयर में विंडोज 11 को इंस्टॉल कराते हैं तो आप अपने विंडोज 11 को अपडेट नहीं करा पाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं अगर मैं अपडेट पे क्लिक करूँ और चेक फॉर अपडेट पे जाऊँ और यहाँ पे चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ ही देर में यहाँ पे ये डिटेक्ट करके, और ये देखिए डाउनलोडिंग हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे अनसपोर्टेड हार्डवेयर में विंडोज 11 भी अपडेट होता है, राइट। तो होपफुली गाइस इस सॉल्यूशन को यहाँ पे आपने अप्लाई किया तो श्योरली यहाँ पे आपका ये काम करेगा। अगर इन केस मान लीजिए कि इंस्टॉलेशन के बाद इंस्टॉलेशन आपकी वापस से आपको विंडोज 11 के इंस्टॉलेशन स्क्रीन पे लेके आ जाती है, अगर ये फेल हो जाता है तो इसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करिएगा, दोबारा से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करिएगा और नेक्स्ट टाइम ये तुम्हारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही, होपफुली आपके लिए वीडियो यूजफुल होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।